हेलो एरा फैमिली, कैसे हो? तो यार फाइनली आपके लिए नया सेटअप, नई वीडियो और न्यू फेस कैम वीडियो। तो यार आपकी बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आती है कि भाई फेस कैम वीडियो लाओ, तो फिर से आपके लिए आ चुकी है यार फेस कैम वाली वीडियो। तो बहुत ज्यादा सपोर्ट देना यार इस वाली वीडियो को। तो यार आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है कि डोरेमोन की 2022 में जापान में कितनी मूवीज आएंगी, क्योंकि आपके बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए थे जब से 2021 वाली मूवी 2022 में पोस्टपोन हुई थी कि उसके बाद क्या 2022 में दो मूवी आएंगी या एक आएगी। सभी ये सवाल आपका इसमें जवाब मिलने वाला है। और यार कोई टेंशन मत लो। अगर तो यार सबसे पहले तो जब से यार 2021 वाली मूवी 2022 में पोस्टपोन हुई है, तो यार ये तो बुरी खबर तो हम सभी के लिए थी, क्योंकि यार अब 2021 में हमें कोई भी मूवी देखने को नहीं मिलने वाली है। तो यार लेकिन कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि यार 2022 में आपको दो मूवी जरूर से ही देखने को मिलेगी जापान में। हाँ यार, और पिछली बार एक रीमेक मूवी और एक नॉर्मल मूवी आएगी। अब आपके मन में आ रहा होगा दो मूवी वो कौन सी होगी। तो यार पहली तो आपको पता ही है, जो कि मैंने आपको बताई थी, नोबिता लिटिल स्टार वर्स 2021 वाली मूवी। और उसके रिलीज डेट के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, अगर नहीं देखी है तो देख लेना, वीडियो आपको यहाँ दिख जाएगी आई बटन पे। तो पहले इस वीडियो के बाद ही देखना यार। और उसमें मैंने आपको ये बताया था कि उन्होंने ये बताया कि स्प्रिंग में वो मूवी रिलीज होने वाली है, यानी कि जब जापान में स्प्रिंग सीजन आएगा वो तब मूवी रिलीज होगी, यानी कि ऑलमोस्ट मार्च के बाद वो मूवी आपको 2022 में देखने को मिल जाएगी। लेकिन यार नेक्स्ट मूवी का क्या? तो यार आपको याद होगा तो 2020 में भी जापान में दो मूवी रिलीज हुई थी, जो कि थी नोबिताज न्यू डायनासोर और स्टैंड बाय मी 2। और स्टैंड बाय मी 2 आई थी नवंबर में और नोबिता न्यू डायनासोर उससे पहले आ गई थी। तो ऐसे ही यार कुछ होगा 2022 में भी, कि 2022 में आपको 2021 वाली मूवी देखने को मिलेगी। तो यार मैं तो उम्मीद करता हूँ आप ये समझ गए होगे कि 2022 में आखिरकार दो मूवी तो आ ही जाएंगी, क्योंकि यार हमेशा की तरह जो भी अपना TVSI है उसने काफी अच्छी प्लानिंग करी अपने डोरेमोन फैंस के लिए। और यार क्या ही मजा आएगा अगर हमें 2022 में दो मूवी देखने को मिल जाएगी। और यार इस साल तो आपको पता ही है हमारे इंडिया में भी स्टैंड बाय मी 2 आने की बहुत ज्यादा चांसेस है, और डोरेमोन द मूवी अंटार्कटिक काची कोची के भी। तो यार काफी इंटरेस्टिंग मूवीज आएंगे इस साल भी और अगले साल भी। तो यार काफी मजेदार रहने वाला है हमारा ये साल और अगले साल भी। लेकिन उससे पहले आपका कमेंट में अगर कोई क्वेश्चन है तो यार पूछ सकते हो नीचे कमेंट में, मैं नीचे कमेंट में आ रहा हूँ आपसे बात करने। तो जल्दी आओ कमेंट में यार बात करते हैं, और भी कोई क्वेश्चन है आपका तो भी आप कमेंट में पूछ सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो के लिए अगर कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में सभी चीज के लिंक है, इंस्टाग्राम के सभी जाओ यार फॉलो वॉलो कर लो सब कुछ। और ऐसी वीडियो पसंद आई वो भी कमेंट में बताओ, और नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए सब कुछ यार कमेंट में बता दो। तो यार फिलहाल तो वीडियो यहीं तक की थी, और आज वीडियो को एंड करेंगे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, सी यू सून गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।